साहब ये तबाही तो कुछ भी नहीं है, असली तबाही जो सालार मूवी के लिए, प्रभास अन्ना के लिए जो देखने को मिल रही है वो निजाम में देखने को मिल रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हर्ष केजर। हाँ तो सभी को पता है सालार मूवी के लिए जितना हाइप, रश, ट्रैफिक और दबदबा और खौफ जो देखने को मिल रहा है कॉम्पिटिटर के मन में, भाई सब डरे डरे से घूम रहे हैं कि हम क्या करें। और गाइज असली तबाही अगर आपको देखनी हो ना तो भाई साहब निजाम में होने वाली असली तबाही। और जो भी बोल रहे, जो भी यूट्यूबर, ये जाहिल खान, ये खरबाज खान जो भी बोल रहे ना भाई साहब मत सुनो, क्योंकि अब जो तबाही ऐसी स्टार्ट होने वाली, क्योंकि काफी यूट्यूबर बोल रहे हैं सालार की एडवांस बुकिंग अच्छी नहीं हो रही है, इसके टिकट सोल्ड आउट नहीं हो रहे, फैंस देखना नहीं चाह रहे हैं, हम ऐसी पिक्चर क्यों देखें जिसमें टॉर्च लेकर जाना पड़े। तो हम भी बोल रहे हैं कि हम भी ऐसी पिक्चर क्यों दिखे जहां पर हमको घास लेकर जाना पड़े। और गाइज इतनी तबाही देखने को मिल रही है निजाम में, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप यही बोलेंगे भाई साहब काश ये फेस्टिवल हम वहां पर होते तो इंजॉय कर सकते, देख सकते। और गाइस काफी लोगों के मैसेजेस आए, कमेंट आए कि हर्ष भाई सालार मूवी की टीम ने एक ऑफिशियली लेवल पे अनाउंसमेंट किया और एक पिक्चर शेयर किया, पोस्टर शेयर किया, अगर आपको कुछ भी पता हो कि इसका सेंस क्या, ये क्या है फेस्टिवल टाइप का, तो गाइज मैं आप लोगों को बोलू ना ये फेस्टिवल नहीं भाई सब तबाही बोलो। अभी जो होने वाला है ना इतना आउटस्टैंडिंग लेवल पे होने वाला, अगर मैं आप लोगों को बताऊंगा ना तो आप यही बोलने वाले बाप रे बाप। मैं सब बताने वाला हूँ लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि वीडियो पर लाइक ही नहीं आ रहे हैं। हाँ तो गाइज जान लेते, गाइज ये जो आपको स्क्रीन पर ये जो पोस्टर देखने को मिल रहा है ये ऑफिशियली लेवल पे सालार द सागा के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया है एक दो घंटे पहले, जहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है सालार सेलिब्रेशन बिगिन अर्ली निजाम। तो भाई साहब निजाम जो है ना एक सिटी है और गाइस ऐसा कहा जा रहा है निजाम में इतना पागलपन देखने को मिल रहा है सालार मूवी के लिए, प्रभास अन्ना सर के फैंस के लिए, लोग मतलब ऐसा लग रहा है कि चींटी के बिल में किसी ने हाथ डाल दिया, फिर मधुमक्खी के छत्ते को तोड़ के वो जिस तरह से फैलता ना उस तरह का वाइब आ रहा है। और ये गाइस ये जो पब्लिक देखने को मिल रही है ना निजाम में, ये भाई सब एडवांस बुकिंग के लिए खड़े हैं कि भाई हमको फर्स्ट डे फर्स्ट शो मिल जाए, इतने टाइम का मिल जाए। भाई सब अभी निजाम में प्रॉपर तरीके की अभी एडवांस बुकिंग स्टार्ट नहीं की है। और जिन भी लोगों को ऐसा लग रहा है सालार मूवी की एडवांस बुकिंग ही नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, तो भाई निजाम में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने दो, क्योंकि अभी कुछ ही देर पहले ऐसा अपडेट निकल कर आया सोर्सेस की तरफ से, भाई साहब ऐसा कहा जा रहा है जैसे निजाम में इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होगी ना तो एक मिनट में 10,000 टिकट सोल्ड आउट होने हैं। ये जो पागल जो फैंस देखने को मिल रहे हैं ये फर्स्ट डे फर्स्ट शो के लिए खड़े हैं फिजिकली, ऑनलाइन जो होंगे वो तो एक आउटस्टैंडिंग लेवल पे होंगे। और गाइज निजाम में जो इसकी एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली है आज ही होने वाली है, रात में होने वाली है, उसका जो टाइम है 8:24 PM का, यानी कि नियर बाय 8:30 ही बोल सकते हैं। तो 8:30 बजे से इसकी प्रॉपर तरीके से निजाम में भाई सब एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली है। और जैसी स्टार्ट होगी ना, सच में मुझे नहीं लग रहा कि थिएटर के जो एम्प्लॉयज हैं जो बुकिंग करते हैं टिकट वो प्रॉपर तरीके से रात भर भाई सब वहीं पे इतना क्राउड देखने को मिलने वाला है। ये क्राउड तो ठीक है भाई सब, जो ऑनलाइन होंगे फोन पे, पेटीएम, बुक माई शो और जो अदर स्टेशन है वहां से होंगे ना भाई साहब आग लगने वाली। और जितने भी है ये डंका डोंकी मोंका मोंकी ये जितने भी घूम रहे ना बोलने दो क्योंकि यार अपने को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। और मैं आप लोगों को बता दूं कि सालार मूवी की जो अभी एडवांस बुकिंग जो हुई है ना, अभी ऐसा अपडेट निकल कर आ रहा है जो अभी ऑल ओवर वर्ल्ड में जो इसकी अभी तक एडवांस बुकिंग हो गई है वो कितनी हो गई है, 23.04 करोड़ की हो गई, यानी कि 23 करोड़ प्लस की एडवांस बुकिंग हो गई है वर्ल्ड वाइड। और अगर मैं भाई अपने डंकी की बात करूं तो उसकी हुई है 12.33 करोड़ की, यानी कि 12.33 करोड़ की प्लस की एडवांस बुकिंग है। भाई क्या ही बुकिंग है यार, ये कोई बुकिंग है क्या, ये क्या तबाही, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो जाहिल खान, वो अरबाज एक्सपेक्ट से ये क्या ही वीडियो बना रहे हैं यार भाई साहब, क्यों बेवजह की हाइप क्रिएट करो, माहौल है नहीं, जबरनी माहौल बनाए जा रहे हो, दिक्कत है यार ये कॉर्पोरेट बुकिंग वालों पे, बोट वालों पे। यार इतने बोट तो मैंने पबजी में नहीं मारे जितने यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। बाकी गाइस आप लोग हमें बताना, हाँ आप लोग नहीं बताएंगे तो कौन बताएंगे यार कि सालार मूवी के लिए आप कितने ज्यादा एक्साइटेड और आपके क्या ओपिनियन है डोंकी वार से डायनासोर के क्लास के बारे में, ये कॉर्पोरेट बुकिंग के बारे में और अभी निजाम में एडवांस बुकिंग स्टार्ट होने वाली है उसके बारे में क्या लगता है,
गधा जीतेगा या डायनासोर जीतेगा? अपने ओपिनियन भाई कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, जिससे कि आपका भाई इंस्पायर्ड और मोटिवेट होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।